अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आज आपको फिर दिखा होगा मैच, जो फाइनल मैच मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हुआ है। कितनी नाकिस हमारे बैट्समैनों ने बैटिंग की है, स्पेशली बाबर आजम और रजवान, जिनको मेरा ख्याल क्रिकेट बिल्कुल आती ही नहीं। इन्होंने कोई इतना तवज्जो से ही खेला नहीं, वो कैसे आउट हुआ। और दूसरा जो सा मैंने जन सा कैप्टन है पाकिस्तान टीम का, उसको तो पता ही कुछ नहीं है क्या उसको है, ना वो बोल सकता है ना कुछ। वो एक दफ़े हर दफ़ा ये कहता है कि बस हम हार गए, मार गए, बस सारा क्रेडिट जाता है जो हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग है, बेहतरीन बॉलिंग है, सबसे दी बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जैसे कि हारिस, उसके बाद अपना शहनशाह फरीदी, उसके बाद वसीम, उसके बाद शादाब खान, ये बस बचा रहे हैं। ये बैटिंग तो बिल्कुल है ही नहीं। वो नवाज़ देखो, वो तो चले ही नहीं जाके ऑस्ट्रेलिया, उसको फायर करना चाहिए। बाकी दूसरी जो से प्लेयर हैं बिल्कुल बेकार है। हम जो ऐसे ही कहते थे कि बस, मैंने एक और निकाली थी वीडियो, जो इंडिया जब बड़के मार मार के हार गया, पाकिस्तान का भी कैप्टन बड़के मारता है, इनको क्रिकेट खेलनी आती नहीं है। ये तो चाहिए कि पीसीबी को कुछ करना चाहिए। कितनी दफ़ा ये हमारी बेइज्जत करवाएंगे पूरी दुनिया में, हमेशा हार जाते हैं। बॉलिंग हमारे इस फर्स्ट क्लास है, इतनी फर्स्ट क्लास बॉलिंग है। वो पहली ओवर में देखो विकेट ले जाता है अपना शहनशाह अफरीदी। ये हमें तो चाहिए थे बैट्समैन जैसे अपना सईद अनवर था, आमर सुहेल था, जावेद मियां दाद, इमरान खान, ऐसे बैट्समैन चाहिए थे। बाकी जैसे और बहुत पीछे जाइए आप, अलियास, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक, हनीफ, हमारी ऐसी ही होती थी और ऐसे होना चाहिए था। ये इन्होंने ऐसी बेइज्जत करवा देते हैं। अब ऊपर जाके पहुंच के फिर हार गए, कितनी की दफ़ा ये हारेंगे, कितनी की दफ़ा ये हारेंगे। ऐसे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी क्रिकेट का। और ये दिलेरी के साथ खेलते ही नहीं, जो अपना रजवान है और या बाबर आजम है, डर डर के खेलता है। दूसरी टीमें ऐसी तो खेलती नहीं है, वो तो पहले 10 ओवरों में से 100 से ऊपर उनका स्कोर हो जाता है। इनका तो देखो आज 15 ओवर में 84 स्कोर किया था, ऐसे खेलते हैं। नो वे, इन्होंने फिर मैच हरवा दिया और 20 करोड़ आवाम की बेइज्जत करवा दिया मेलबर्न में। और कितने हमारे पाकिस्तानी बेचारे उधर देखने गए थे, उन सब लोगों का दिल टूटा। फिर आज ये कितनी देर ऐसे चलता रहेगा, कितनी देर चलता रहेगा। रमीज राजा साहब, आप कुछ देखें, आप उसको बड़ी आपने जपी डाली है अपना, तो जब सेरेमनी ख़त्म हो रही थी इसको बाबर आजम को, इसने क्या आज किया, कुछ भी नहीं किया, ना इसको इंग्लिश बोलनी आती है, इसको किया करें कि वो अपनी उर्दू ही बोले करें, इसको सड़ा ग्रूम करें। बिल्कुल बेकार प्लेयर है, पता नहीं कैसे आपने इसको बना दिया है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, मैं आई एम नॉट रियली इम्प्रेस विद हिम, नो नो वे। और इनको दोबारा करें, अब फिर इंग्लैंड की टीम जा रही है उधर खेलने के लिए, और बिल्कुल बैटिंग हमारी फजूल है, इनको खेलने नहीं आता। दो तीन बंदे खेलने हैं जले हैं तो बस वो करते हैं, फिर आउट हो जाते हैं, फिर वही बकवास सेम ओल्ड स्टोरी बताते हैं, हम फिर करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ओके, दिल बड़ा आवाज़ार हुआ और ख़राब हुआ है, ये स्पेशली बाबर आजम और रजवान के साथ, ये कुछ बेकार प्लेयर है। ओके, खुदा हाफिज़।